कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षक कर्मचारी छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज इन लोगों ने धरना भी दिया। इस अवसर पर संस्कृत विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य भी इनके समर्थन में बैठे थे। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर उमेश झा प्रदेश सचिव अखिल भारतीय शैक्षणिक महासंघ के जो ये सचिव हैं, इन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन खेल खेल रही है। कुल सचिव एक टीम गठित कर विभिन्न महाविद्यालय भेज रहे हैं और भया दोहन कर रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 90 ब्लैंक चेक विभिन्न महाविद्यालयों से मांगा गया है और कहा गया है कि अब अगर आप लोग अपना नौकरी सलामत रखते हैं तो ब्लैंक चेक पर साइन कर दें। वहीं इस अवसर पर सिंडिकेट सदस्य ने भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में क्या खेल चल रहा है, इसके लिए हम लिखित आवेदन राजभवन को देंगे। पूरा क्या मामला है, इन लोगों ने विश्वविद्यालय पर क्या आरोप लगाया है, सुनिए। वहीं इस अवसर पर जब हमने संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर शशिराज झा से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, अगर हमें कोई संज्ञान में आता है तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई होगी। पूरा क्या कार्यक्रम था, इन लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन क्या आरोप लगाया, सुनिए इन्हीं लोगों की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनमाना काम हो रहा है, रजिस्ट्रार ऑफिस और वीसी ऑफिस में कहीं तालमेल नहीं है। कुल सचिव कार्यालय अपने स्तर से आदेश निकाल रहे हैं, वीसी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि मेरा आदेश लागू नहीं होता है। तरह तरह की समस्याएं हैं और इसमें यहाँ के शिक्षक कर्मचारी जो है सो पिस रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि कानून का भय संस्कृत विश्वविद्यालय में नहीं है कि बीपीएससी से जो शिक्षक आए हैं उनका योगदान किस कारण से नहीं हो रहा है, ये समझ से परे है। वो तो छात्र को चाहिए वीसी कार्यालय में डायरेक्ट रिसीव करा दे अपना ज्वाइनिंग प्रतिलिप जो है राज्य सरकार और चांसलर कार्यालय में भेज दे उसका कॉपी। लेकिन विधिवत ज्वाइनिंग नहीं लेना ये अपराध है। और बीपीएससी में से सुयोग्य शिक्षक कितने लंबे अरसे के बाद विद्वान शिक्षकों का बहाली हुआ है और उसके साथ ये व्यवहार, लगता है कि सरस्वती के घर में ये लोग आग लगा रहे हैं। सर, विश्वविद्यालय राजभवन का आदेश चलता है और आप सिंडिकेट सदस्य हैं, क्या सिंडिकेट सदस्य होने के नाते क्या आप राजभवन किस चीज़ की जानकारी देंगे? हम लोग निश्चित देने जा रहे हैं। मैं हम लोग लिखित आपको कुल सचिव कार्यालय और कुलपति कार्यालय को देने जा रहा हूं और इसकी सारी बातों की जानकारी मिली है और उसकी कॉपी जो हम राजभवन में उपलब्ध कराने जा रहे हैं। समेकित संघर्ष समिति का गठन किया गया है, सभी संगठन मिलकर, चार संघ मिल करके, और उसमें पहला जो है महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को जनवरी फरवरी से वेतन राज्य सरकार से विलुप्त होने के बाद भी नहीं मिला है। दूसरा है घाटानुदानित संबद्ध शास्त्री एवं उप शास्त्री महाविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक को कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आदेश होने के बाद भी पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। मांग जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बिहार सरकार शुरू से ही 8 महीना पूर्व से हर एक महीने के पैसे के साथ इन शिक्षकों का पैसा भेज रही है और कुछ जगह ऐसा है जहाँ मान लीजिए कि 4 शिक्षक हैं, 3 का पैसा आ रहा है। अप्रैल माह में ही आ गया था पत्र बिहार सरकार का कि आप इन लोगों के नियुक्ति संबंधी साक्ष्य भेज दीजिए ताकि उनका पैसा भी हम भेज सकें। लेकिन यहाँ के कार्यालय की कौन सी ऐसी व्यवस्था है, उस पत्र को गताल खाते में रखा जाता है, उसके बाद फिर से 2 महीने के बाद फिर पत्र आया कि हमने फलना पत्र दिया था, आपका जवाब नहीं आया और इसीलिए 15 दिन का समय आपको और दे रहे हैं। तो 15 दिन का समय भी जो दिया उसमें भी ये लोग साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। यहाँ तो कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि पदाधिकारी लोग पूछते हैं कि ये कौन सी संचिका है, इसमें पैसा है तो नहीं, तो इसको हटाओ, तो बगल करो। मैंने पैसा का क्या मतलब, पैसा मतलब जिससे कुछ आमदनी आना हो। जैसे मान लीजिए जिन लोगों का अभी वेतन अवरुद्ध है उन लोगों के संबंध में महाविद्यालय पर 3-4 लोग यहाँ नियुक्त हुए दलाल के रूप में और सब जगह भेजा कि जांच कमेटी बना
बना दी गई है, जिस जांच कमेटी का कोई आदेश नहीं था, न VC का आदेश था, न बिहार सरकार का कोई पत्र था, अपने तरीके से मनमाने ढंग से जांच कमेटी बनाकर भयादोहन करने हैं। जांच कमेटी कौन बनाया? रजिस्ट्रार साहब के नेतृत्व में बना है, और जांच कमेटी बनाकर के भयादोहन के लिए सब जगह फोन गया। 90 लोगों ने ब्लैंक चेक यहां जमा किया, 90 लोग। काहे ब्लैंक चेक जमा किया? इसलिए कि नौकरी आपका खत्म कर देंगे, बिहार सरकार में रिपोर्ट कर देंगे, आप वेतन भुगतान करवाने के लिए ये चेक जमा हुआ। किसके पास? 3-4 लोग थे, आप पता करिए, कुछ लोगों को पहले भी चर्चा हुई थी, यहाँ सब लोग जानते हैं। तो सर आप तो, जो सर आप जो कह रहे हैं कि ब्लैंक चेक जमा हुआ, वो ब्लैंक चेक किन पदाधिकारी के पास जमा हुआ? किन पदाधिकारी? सुनील कुमार झा जी के यहाँ जमा हुआ। सुनील कुमार झा कौन है? DR2 है, उनके यहाँ जमा हुआ। हमने बोला भी था कि सबका फोटो स्टेट दीजिए, हम प्रशासन में देना चाहते हैं, अभी तक नहीं दिए हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। शिक्षकेतर कर्मियों का 6 करोड़ संचित राशि रखी हुई है विश्वविद्यालय में। प्रशासन का कहना है कि पैसा नहीं है, लेकिन शिक्षकेतर कर्मियों का ACP तथा MCP का बकाया भुगतान उस पैसे से किया जा सकता है, लेकिन ये लोग बहानाबाजी करते हुए अब तक नहीं दिए हैं। और BPSC के द्वारा कुछ शिक्षकों की यहाँ बहाली हुई है, उनसे आए दिन सुनने में परिसर में आ रहा है 60,000 रुपया ले लिया गया है। 8 महीना से वो संचिका रखी हुई है, वो 8 महीना उन शिक्षकों का, एक तो जूनियर हो गए, दूसरे उस अवधि का पैसा उनको नहीं मिल रहा है, और जो नियत तिथि होती है सेवा की तिथि, उस तिथि के बाद तो ये 8 महीना नौकरी कर नहीं पाएंगे, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा सर बताइए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि ब्लैंक चेक लिया जाता है भुगतान के लिए, हाँ। दूसरा तरफ आप ये कह रहे हैं कि BPSC से जो शिक्षक हैं उनसे पैसा लिया जाता है, हाँ, तो ये सारा खेल कौन खेलता है? पदाधिकारी लोग खेल रहे हैं। यहाँ के जो शिक्षकेतर कर्मचारी शिक्षक सभी अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। इन लोगों ने कई विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप भी लगाया है कि 90 ब्लैंक चेक जो BPSC से नियुक्ति शिक्षक हैं उनसे 60,000 का घूस लिया जाता है, कई अनियमितता की बात इन लोगों ने बताई है। सर आपके पास क्या जानकारी है, क्या संज्ञान है आपके पास? इसकी जानकारी कोई नहीं है, वेतन का 2 महीना का वेतन दे रहे हैं, 8 महीने का वेतन बाकी है, लेकिन उस पर तो सरकार का कैफियत है, उसका जवाब दिए हैं, फिर जवाब देंगे और दूध भेजेंगे स्पेशल जस्टिफिकेशन, लेकिन 2 महीना का। लेकिन जो पैसे की लेन देन की बात, अरे वो हमारे पास नहीं, अगर बात आती है सामने में तो की क्या क्या होगा इसके लिए, अगर बात सत्यता सामने आती है उस पर एक्शन किया जाएगा। तो ये भी आरोप है सर कि जो विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो हर फाइल में पैसा खोजते हैं, ये क्या ऐसी बात तो है नहीं, यदि आएगी तो कार्रवाई के अनुसार। आपका जो सिंडिकेट सदस्य हैं उन्होंने भी आरोप लगाया है, जो पूर्व सिंडिकेट सदस्य हैं उन्होंने भी आरोप लगाया है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जब सिंडिकेट सदस्य आरोप लगाते हैं तो क्या माना जाए इसको, कहीं ना कहीं सत्यता तो होगी। आरोप लगाते हैं तो लगाना है उनका, कोई प्रमाण देंगे, कोई कहेंगे तब ना, यहाँ तक हमारे पास कोई प्रमाण दिया गया नहीं है, ना कोई जानकारी है, इसलिए जो सिंडिकेट सदस्य ये बात कह रहे हैं उन्हीं से पूछ लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पैसे की लेन देन हो रही है, तो कहने से तो कहने कोई कह सकता है, प्रमाण तो नहीं दिया। ठीक है सर, ठीक है।